अभी महा जो साइक्लोन है उसके बारे में जो मैं आपको लेटेस्ट जो सिचुएशन है वो देता हूँ. ये है बेस्ड ऑन 11:30 आवर्स ऑफ IST ऑब्जर्वेशन. अभी महा जो साइक्लोन है ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के हिसाब से ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी एंड एडजॉइनिंग वेस्ट सेंट्रल अरेबियन सी में है. इसका जो एसोसिएटेड जो विंड स्पीड है अभी मोर देन आई थिंक अराउंड 220 किलोमीटर पर आवर, 220 किलोमीटर के ऊपर है अभी करेंटली, बिकॉज ये अभी एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है. अगर डिस्टेंस का देखा जाए तो 680 किलोमीटर वेस्ट साउथ वेस्ट ऑफ वेरावल है राइट नाउ, 730 किलोमीटर वेस्ट साउथ वेस्ट ऑफ दीव है और 650 किलोमीटर वेस्ट साउथ वेस्ट ऑफ पोरबंदर है. हमारे स्टेट से अभी काफ़ी दूर है. इसका जो फोर्थ तक मतलब आज तक इसका जो मूवमेंट होगा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट मूवमेंट होगा. इसके बाद कल से इसका रिकार्विंग शुरू होगा, कल से ईस्ट नॉर्थ ईस्टवर्ड मूवमेंट होगा एंड हमारे कोस्ट के तरफ आएगा. एंड जैसे कि हमारे कोस्ट के तरफ आएगा इसका रैपिड वीकनिंग भी होगा. अभी जो एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है उससे बहुत रैपिडली इसका वीकनिंग मतलब उसका जो इंटेंसिटी है काफ़ी कम होने लगेगा. ये अभी तक का जो लेटेस्ट हमारा जो एनालिसिस है ये दर्शाता है कि 7th अर्ली मॉर्निंग को ये जो महा बाबा जोरू है 7th अर्ली मॉर्निंग को एज ए साइक्लोनिक स्टॉर्म क्रॉस करेगा. ओके, ये लेटेस्ट एनालिसिस है. पहले हम बता रहे थे कि एज ए सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म क्रॉस करेगा, तो इससे मतलब उसका मतलब ये दर्शाता है कि हमारा एनालिसिस दिखा रहा है कि ये साइक्लोन जो है इसका कमज़ोर हो रहा है. ओके, ये सीधा सीधा दिखा रहा है. एंड जो एसोसिएटेड विंड स्पीड जो रहेगा अराउंड 80-90 किलोमीटर पर आवर रहेगा जब ये क्रॉस करने जाएगा. ओके, जब हमारे कोस्ट के नज़दीक आएगा. पहले हम बता रहे थे कि अराउंड 100-110 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड जाएगा, तो लेकिन हमारा लेटेस्ट एनालिसिस दिखा रहा है कि वो इतना विंड स्पीड नहीं रहेगा. मतलब क्लियरली इसका जो वीकनिंग है वो दर्शा रहा है लेटेस्ट एनालिसिस. एंड स्टॉर्म सर्ज जो है अराउंड 1 मीटर के आसपास रहेगा भावनगर में. एंड बाकी जो एरियाज है लाइक योर जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, सूरत, ये सब एरिया में जो स्टॉर्म सर्ज इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, 0.5-1 मीटर के आसपास रहेगा. तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये सिस्टम का रिकार्विंग के बाद वीकनिंग पक्का है, ये हम कह सकते हैं. हाउएवर कंसिडरिंग द फैक्ट दैट रेनफॉल होगा, जैसे मान लीजिए सर्वत्रिक रेनफॉल होगा हमारे स्टेट में, बट मेनली जो कोस्टल एरियाज ऑफ सौराष्ट्र है लाइक योर भावनगर, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ, दीव, जूनागढ़, राजकोट, बोटाड, देन इस साइड में सूरत, बड़ौदा. ओके, बड़ौदा में 7th को, सो ये सब एरिया में मेनली इम्पैक्ट होगा. एंड हम हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल भी आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सपेक्ट कर रहे हैं. एंड मेनली जो रेनफॉल होगा उससे जो लो लाइंग एरियाज है हमारा स्टेट में, जो लो लाइंग एरियाज है खास करके जो कोस्टल एरियाज है सौराष्ट्र या साउथ गुजरात में, जो लो लाइंग एरियाज है, जो कच्चा हाउसेस है, जो कच्चा रोड्स है, उसमें स्लम एरियाज है, वो मेनली वल्नरेबल रहेगा. जो जब सीवियर साइक्लोन होके आता तो इवन एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल का भी खतरा था, बट वो अभी शायद नहीं है. अभी हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल का चांसेस है. महासाइक्लोन जो अरबी समुद्र से अभी वेस्ट साउथ वेस्ट की तरफ जा रहा है, वो कल रिकर्व करके गुजरात और सौराष्ट्र की तरफ आएगा और 6 और 7 की मध्य रात्रि को गुजरात में दीव और पोरबंदर के बीच लैंडफॉल होने की संभावना है. और जिस समय ये लैंडफॉल होगा उस समय अभी के IMD प्रिडिक्शन के हिसाब से वो साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में आएगा, यानी कि उसके साथ जो विंड स्पीड रहेगी वो 70-80-90 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है. उसको ध्यान में रखते हुए गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री, डिप्टी मुख्यमंत्री श्री, हमारे महसूल मंत्री श्री, मुख्य सचिव श्री, इन लोगों ने आज परिस्थिति की समीक्षा की है. भारत सरकार की तरफ से कैबिनेट सचिव ने हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस किया है. हम आज
शाम को मुख्य सचिव श्री के द्वारा संबंधित जिला के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस होने वाला है और जिला अपने प्रिपेडनेस स्तर पे आ चुका है। हमारे पास NDRF की 15 टीमें हैं, उसके उपरांत हमने दूसरी 15 NDRF टीम डिमांड की है जो बहुत जल्दी ही हमें मिल जाने वाली है, जिन्हें हम तैनात कर देंगे। इसके अलावा हमारी SDRF की टीम भी तैनात की जा रही है। इस तरह के स्टॉर्म साइक्लोन में जो प्रभावित विस्तार होते हैं वो हमारे सौराष्ट्र के जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट हैं और साउथ गुजरात के भी जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट हैं वो सब इसे प्रभावित होने वाले हैं। उस इलाके के जो वनरेबल एरियाज हैं, लो लाइंग एरियाज हैं, सॉल्ट पैंस हैं, कच्चे हाउसेस हैं, ये ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं और उन पर हमारी विशेष नज़र रहेगी। और दरिया और समुद्र हमारा काफ़ी रफ हो चुका है, पिछले दो दिनों से रफ है, इसीलिए पिछले दो दिनों से हमारी प्राथमिकता फिशिंग बोट्स जो समुद्र में गई हुई है उन्हें वापस लाने का है। और 12,500 से ज़्यादा जो फिशिंग बोट गई थी उसमें से करीब सारे के सारे वापस आ चुके हैं। इस तरह से लोगों से हमारी ये अपील है कि आपको पैनिक होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने रोजिंदा काम करें, नियमित काम करें। प्रशासन पूरी तरफ से इस चीज़ के लिए तैयार हो चुकी है और हम IMD के फोरकास्ट को सतत ध्यान में रख के अपनी तैयारी उसके हिसाब से उसके अनुकूल करते रह रहे हैं। और लोग पूरी तरह से अपने आप को सलामत महसूस करें और प्रशासन की तरफ से आपको जो सूचना दी जाए उसका आप पालन करें। महावावर जोरू अंगे राज्य सरकारे तैयारी पूरी करी छे। माननीय मुख्यमंत्री श्री, माननीय नायब मुख्यमंत्री श्री, महसूल मंत्री श्री, मुख्य सचिव श्रीए अमारा बधा साथे रहीने परिस्थितिनी समीक्षा करी छे। अने आजे भारत सरकार तरफ थी पण कैबिनेट सचिव मुख्य सचिव साथे वीडियो कॉन्फ्रेंस करी छे। आजे थोड़े कलाक में अहींयाथी मुख्य सचिव श्री संबंधित जिल्लाओना जिला कलेक्टरो, जिला विकास अधिकारीश्रीओ, जिला पुलिस वड़ा अने पुलिस कमिश्नर ए लोको साथे पण वीडियो कॉन्फ्रेंस करीने ए लोकोने प्रिपेडनेसनो रिव्यू करवाना छे अने जरूरी मदद पूरी करवानी छे। तकेदारीना भाग रूपे आपनी पासे 15 NDRFની ટીમો ગુજરાતમાં છે, તે ઉપરાંત બીજા 15 NDRFની ટીમ આપને ત્યાં આવી રહી છે। અને અત્યારે આપની ખાસ પ્રાથમિકતા જે છે, જે છેલ્લા 2-3 દિવસથી રહ્યા છે કે દરિયામાં જે આપને માછીમારના જે બોટો ગઈ હોય એ ત્યાંથી પરત આવે અને કુલ 12,600 જેટલી બોટો દરિયામાં ગઈ હતી તે પૈકી 12,000 જેટલી બોટો પરત આવી ગઈ છે અને થોડાક જે બોટો પરત નથી આવી છે એ બોટો પણ અત્યારે પરત આવી રહી છે અને આજે સાંજ સુધીમાં તમામે તમામ ફિશિંગ બોટ પાછી આવી જશે એ પ્રકારની અમારી તૈયારી છે। ગુજરાતના દરિયાકાંઠા ઉપર થઈને જે વાવાઝોડાની સંભવિત અસરોને દ્રષ્ટિમાં રાખીને આજે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ ખાસ તાકીદથી બેઠક બોલાવી છે। જેમ ગયા વખતે વાવાઝોડા વખતે રાજ્યનું આખું જ તંત્ર એલર્ટ હતું, NDRFની ટીમોથી લઈને સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર છે એ સંભવિત એરિયાઓમાં દરિયાકાંઠા ઉપર જે રીતે વ્યવસ્થાઓ ઊભી કરવામાં આવી હતી એ જ રીતે મહા વાવાઝોડાના સંભવિત ભયસ્થાનોને દ્રષ્ટિમાં રાખીને માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ આજે તાકીદની કેબિનેટ કક્ષાની બેઠકનું આયોજન કર્યું છે। માનનીય મંત્રીશ્રીઓને એક એક જિલ્લાની જવાબદારી ગત વખતે ફાળવી હતી એ જ રીતે જવાબદારીઓ ફાળવશે અને મંત્રીશ્રીઓ આજે બપોર બાદ જે જિલ્લો સોંપવામાં આવશે એ જિલ્લામાં એવો પહોંચશે અને સ્થાનિક જિલ્લા વહીવટીતંત્રની જોડે રહીને સંભવિત વાવાઝોડાને ધ્યાનમાં રાખીને જે લોકોને સ્થળાંતર કરવા જરૂરી લાગે છે એ લોકોને સ્થળાંતર કરી અને સલામત સ્થળે ખસેડવાની કામગીરી કરવામાં આવશે।